हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया डिमांड, हमने पढ़ लिया सप्लाई, बराबर। सबसे पहले हमने डिमांड पढ़ा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने सप्लाई पढ़ा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर। बट मुझे आप एक बात बताइए, क्या रियल लाइफ में जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है ना, रियल लाइफ में जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है, जिसको अपन ने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। और जो सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, जिसको अपन ने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। क्या ये अलग अलग चलते हैं या ये दोनों कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड हैं? रियल लाइफ में क्या डिमांड कॉन्सेप्ट अलग चलता है और सप्लाई कॉन्सेप्ट अलग चलता है, या ये दोनों कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड हैं रियल लाइफ में? सर, रियल लाइफ में तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं, बायर और सप्लायर ही तो मिलते हैं आपस में। मतलब रियल लाइफ में डिमांड और सप्लाई जुदा जुदा नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अपन ने अपनी पढ़ाई के लिए पहले डिमांड पढ़ लिया, फिर सप्लाई पढ़ लिया, अब अपन दोनों को एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो जब आप डिमांड और सप्लाई को एक साथ पढ़ते हो, टुगेदर स्टडी करते हो, तो उसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आज का अपना जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लियर? मार्केट इक्विलिब्रियम इज व्हाट? व्हेन वी स्टडी डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर। जब अपन डिमांड और सप्लाई को एक साथ पढ़ेंगे, पहले अपन ने डिमांड अलग पढ़ा है, सप्लाई अलग पढ़ा है, बराबर। अब अपन डिमांड और सप्लाई एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, और जब आप डिमांड और सप्लाई को एक साथ पढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लियर? मैंने यहां पर एक टेबल बनाया हुआ है, आप ये टेबल बना लेंगे वीडियो पॉज करके, मैं बता दे रहा हूं क्या क्या है कॉलम में। सबसे पहले है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर है डिमांड ऑफ द कमोडिटी, फिर है सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, उसके बाद है एक्सेस, और फिर है प्रेशर ऑन प्राइस। क्लियर? क्या है मैं आपको समझाता हूं धीरे धीरे करके, आराम से समझेंगे। सबसे पहले जो कॉलम है, देखिए क्या दिया है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिया है। तो मैंने आपको अलग अलग प्राइजेस दे दिए। पहले प्राइस 5 रुपीज था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। अब इसके लिए आपको पहले लॉ ऑफ डिमांड याद होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी, बराबर। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो बायर डिमांड कम करेगा, यही है। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो बायर डिमांड कम करेगा। तो जब मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपीज है तो डिमांड कितनी है? 100 यूनिट्स। जब प्रोडक्ट 5 रुपए का बिकता है तो डिमांड कितनी है? 100 यूनिट्स। जैसे ही प्राइस 5 से 4 हुआ, क्लियर, जैसे ही प्राइस 5 से 4 हुआ, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, देखो 100 से 200 हो गई। प्राइस और कम हुआ, 3 हुआ, तो डिमांड और बढ़ी। प्राइस और कम हुआ तो डिमांड और बढ़ी, प्राइस और कम हुआ तो डिमांड और बढ़ी। तो जैसे जैसे प्राइजेस कम होते गए, डिमांड बढ़ती गई। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगला कॉलम सप्लाई वाला देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? प्राइस के चेंज होने से सप्लाई भी चेंज होगी। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। जब प्राइस 5 रुपए थी तो 500 यूनिट्स बिकते थे। जैसे ही प्राइस कम हुई, सप्लायर ने बोला यार मेरा तो प्रॉफिट ही कम हो गया, तो उसने भी सप्लाई कम कर दी। और कम हुई प्राइस तो सप्लाई और कम हो गई, और कम हुई प्राइस तो सप्लाई और कम हो गई, प्राइस और कम हुई तो सप्लाई और कम हो गई। वापस जैसे जैसे प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम हुई सप्लाई कम हुई। यहां तक क्लियर है? तो ये लग गया लॉ ऑफ डिमांड, यहां लग गया लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर? अब जब मार्केट में प्रोडक्ट 5 रुपए का बिक रहा था, है ना, जब मार्केट में प्रोडक्ट 5 रुपए का बिक रहा था, खरीदने वाले कितने थे? 100 लोग थे, बेचने वाले 500 लोग थे। क्या सप्लायर का पूरा माल बिकेगा? क्या सप्लायर का पूरा माल बिकेगा? नहीं सर, वो तो 500 यूनिट बेचने के लिए तैयार है, लेकिन खरीदने वाले 100 ही हैं, क्योंकि प्राइस ज्यादा है। तो एक्सेस क्या होगा बताइए मुझे, एक्सेस क्या होगा? एक्सेस हो गया सप्लाई, बराबर। एक्सेस क्या हो गया? एक्सेस हो गया सप्लाई। सप्लायर का पूरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, क्योंकि वो तो 500 यूनिट बेच रहा है, प्राइस ज्यादा है तो 500 यूनिट बेच रहा है, लेकिन खरीदने वाले तो 100 ही हैं, तो 400 यूनिट एक्सेस हो गई। अब सप्लायर चाहता है कि उसका पूरा प्रोडक्ट बिक जाए, तो वो क्या करे? तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगी, मतलब प्रेशर ऑन प्राइस आएगा टू फॉल, प्राइस को कम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब जैसे ही प्राइस 5 से 4 हुई,
प्राइस कम हो गई। तो जैसे ही प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, 200 यूनिट्स हो गई, लेकिन क्योंकि प्राइस कम हुई तो सप्लायर का मार्जिन कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो उसने सप्लाई कम कर दी। अब बेचने वाले कितने हैं? 400। खरीदने वाले कितने हैं? 200। क्या सप्लायर का पूरा माल बिकेगा? नहीं सर, अभी भी एक्सेस सप्लाई है। तो सप्लाई एक्सेस है मतलब सप्लायर का अभी भी पूरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अब सप्लायर को 400 यूनिट पूरे बेचने हैं लेकिन खरीदने वाले तो 200 ही हैं, तो क्या करे वो? वो प्राइस और कम करे, तो प्रेशर ऑन प्राइस टू फॉल। जैसे ही प्राइस और कम हुई, बराबर, जैसे ही प्राइस और कम हुई, 4 से कहां पर आ गई? 3 पर आ गई। तो जैसे ही प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुई तो बायर ने बोला सस्ता मिल रहा खरीद लो 300, प्राइस कम हुई तो सप्लायर ने बोला प्रॉफिट कम हो गया तो उसने भी सप्लाई कम कर दी। अब खरीदने वाले कितने हैं? 300। बेचने वाले कितने हैं? 300। क्या यहां पर सप्लायर का पूरा माल बिक जाएगा? हाँ, सप्लायर का पूरा माल बिक जाएगा। क्लियर? यहां पर एक्सेस क्या है? कुछ भी नहीं। क्या प्राइस को चेंज करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि जितने बेचने वाले हैं उतने ही तो खरीदने वाले हैं, तो प्रेशर ऑन प्राइस कुछ भी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? अब अपन शुरुआत करते हैं नीचे से। जब प्राइस 1 रुपए थी, इतना प्रोडक्ट सस्ता हो गया कि खरीदने वाले 500 आ गए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट इतना सस्ता हो गया कि खरीदने वाले 500 हो गए। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट सस्ता है तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है सप्लायर को, तो बेचने वाले तो 100 ही है। क्या मुझे बताओ सारे बायर्स को सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, अभी भी 400 बायर खड़े रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक्सेस क्या है? डिमांड है। अब मुझे बताओ क्या मार्केट में मिसमैच है? बिल्कुल मिसमैच है। खरीदने वाले 500 हैं, बेचने वाले 100 ही हैं, मतलब बायर्स ज्यादा हैं। अब अगर मार्केट को पैरेलल लाना है, एक फुटिंग पे लाना है, खरीदने और बेचने वाले सेम रहे, तो प्राइस बढ़ा दूं, तो प्रेशर ऑन प्राइस टू इंक्रीज कर दूं। जैसे मैं ही प्रेशर ऑन प्राइस टू इंक्रीज प्राइस बढ़ाऊंगा, तो प्राइस 1 से 2 रुपए हो गई, 2 रुपए हुई तो खरीदने वाले कम हो गए, बेचने वाले बढ़ गए। अब खरीदने वाले 400 हैं, बेचने वाले 200 हैं, तो अभी भी क्या सब बायर्स को मिल जाएगा? अभी भी सब बायर्स को नहीं मिलेगा। अभी भी एक्सेस क्या है? डिमांड है। अब मैं अगर इस मिसमैच को मिटाना चाहता हूं तो प्रेशर ऑन प्राइस क्या रहेगा? और बढ़ा दूं। जैसे ही मैं प्राइस और बढ़ाऊंगा तो मेरी प्राइस कहां पहुंच जाएगी? देखो प्राइस मेरी पहुंच गई कहां पर? 3 रुपए पहुंच गई। 3 रुपए, 2 से 3 जैसे ही हुई, प्रोडक्ट महंगा हुआ, खरीदने वाले कम हो गए, बेचने वाले बढ़ गए, दोनों 300-300 पे आ गए। क्या अब सबका प्रोडक्ट बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा। मतलब 3 रुपए वो प्राइस है, मतलब 3 रुपए वो प्राइस है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, मतलब 3 रुपए पर बायर और सप्लायर दोनों इक्वल फुटिंग पर हैं। तो जिस प्राइस पर, कौन सी प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई? 3 रुपए पर हो गई। तो जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदी और बेची जा रही है? 300। तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर? और इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। वापस अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ इक्विलिब्रियम यानी क्या, तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे कोई पूछता है इक्विलिब्रियम यानी क्या, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। द पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आने वाले प्राइस को क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम पर आने वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर? अब अपन इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। यहां आप लेते हो क्वांटिटी, बराबर, यहां आप लेते हो प्राइस। ठीक है, प्राइस अपनी क्या क्या है? 5, 4, 3, 2, 1 और ये हो गया 0। क्वांटिटी कितनी कितनी है? 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, ऊपर का जो टेबल है अपन उसी का ग्राफ बना रहे हैं। पहले अपन प्राइस और डिमांड का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो जब प्राइस 5 थी तो डिमांड 100 थी,
इधर आ गया पॉइंट, जब प्राइस 5 थी तो डिमांड 100 थी, प्राइस 4 हुई तो डिमांड 200 हो गई, प्राइस 3 हुई तो डिमांड 300 हो गई, प्राइस 2 हुई तो डिमांड 400 हो गई और प्राइस 1 हुई तो डिमांड 500 हो गई, बराबर। अब मैं अगर इस पॉइंट को जोड़ दूं तो कुछ ऐसा जुड़ेगा, क्लियर। ये प्राइस और डिमांड के बीच में बनाया गया ग्राफ है, तो इसको आप क्या नाम दे दोगे, डिमांड कर्व, ठीक है। अब मैं प्राइस और सप्लाई के बीच का ग्राफ बनाता हूं, क्लियर। अब प्राइस जब 5 थी तो 500 था, ठीक है, तो 1 पर 100, 2 पर 200, 3 पर 300, 4 पर 400 और 5 पर 500, बराबर, क्लियर। अब मैं इन पॉइंट्स को अगर जोड़ दूं तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब प्राइस और सप्लाई के बीच में ग्राफ बना, तो आप इसको क्या नाम दोगे, इसको आप लोगे सप्लाई कर्व। क्या किसी प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हुए? देखो, 3 रुपए पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गए, तो जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, जहां वो इक्वल हो गए, उसको नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम। क्या नाम दोगे, इक्विलिब्रियम। ये आपका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ गया। आगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर आने वाली प्राइस को क्या नाम दोगे, ये है इक्विलिब्रियम पर आने वाली प्राइस को क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम पर आने वाली क्वांटिटी कितनी है, 300 है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अगर मान लो, वैसे तो 3 रुपए पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, अगर मान लो 3 रुपए से ज्यादा प्राइस होती है, 4 हो जाती है या 5 हो जाती है, तो क्या गड़बड़ होगा? अगर कोई प्रोडक्ट 3 रुपए से ज्यादा में बेचने की कोशिश करते हो, 4 रुपए या 5 रुपए में बेचने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा? तो कैनाई से अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस रखोगे, मतलब 4 या 5 रखोगे, तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। 3 रुपए पर डिमांड और सप्लाई बराबर है, जैसे ही 3 रुपए से ज्यादा करूंगा प्राइस, तो बेचने वाले तो बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन खरीदने वाले कम हो जाएंगे। अगर मैं 3 रुपए से कम में बेचने की कोशिश करता हूं, तो क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा, बराबर। तो 3 रुपए वो प्राइस है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, और जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो आप लिख के रखेंगे, वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, ठीक है, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। प्राइस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर आने वाले प्राइस को क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम प्राइस, बराबर। क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम उसको क्या बोलोगे, कितनी क्वांटिटी में इक्वल हुए, उसको बोलोगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्राइस रखोगे तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई। अगर इक्विलिब्रियम से कम प्राइस रखोगे तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड, क्लियर। और जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। देखो आपके मॉड्यूल में भी, क्लियर, 100 रुपए पर 5 ही यूनिट बिकने थी, प्राइस ज्यादा थी, खरीदने वाले 5 ही थे, बेचने वाले 50 थे, तो एक्सेस क्या थी, सप्लाई थी 45 की। जैसे जैसे प्राइस कम करते गए डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे प्राइस कम करते गए सप्लाई कम होती गई, क्योंकि प्राइस कम हुई तो मार्जिन कम हुआ तो सप्लाई भी कम होती गई। जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, देखो 60 रुपीज पर इक्वल हो गई, तो जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बराबर, क्लियर हो गया। ये देखो आपके मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने ग्राफ भी दिया है, ठीक है। ये हो गया डिमांड कर्व, बराबर, ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, ठीक है। जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आने वाले प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पर आने वाली क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर हो गया आपको इक्विलिब्रियम।